उत्तराखंड के गदरपुर में पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत अवैध शराब पकड़ी और 500 लीटर लहन नष्ट किया गया है। वहीं शराब उपकरणों के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के ललितपुर में एक पिता ने अपने 3 बच्चों के सिर पर हथौड़े से प्रहार कर दिया और फिर सिलेंडर की आग से उन्हें जलाकर मार दिया। ललितपुर के थाना बानपुर के वीरपुर गांव की इस घटना ने पिता के रिश्ते को एक बार फिर शर्मसार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के अमेठी में अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ अमेठी प्रतापगढ़ के बॉर्डर सैठा रोड पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की संघन जांच की गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वाले चालकों को हिदायत देकर छोड़ा। यूपी के सोनभद्र में छठ पर्व को लेकर नगर पालिका की तरफ से छठ घाट पर तैयारी जोरों पर है। नदी और पोखरी पर छठ वेदियों की साफ सफाई शुरू हो गई है। खुद नगर पालिका के चेयरमैन ने छठ घाट पर जाकर दौरा किया। सुंदरीकरण और पानी निकासी की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। यूपी के अमेठी में नोटबंदी की दूसरी बरसी पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसे काला दिवस के रूप में मनाया। वहीं कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय गौरीगंज में जुलूस निकालकर नारे लगाते हुए एक सभा की। साथ ही जिला अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा ने कहा कि नोटबंदी के कारण लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा था और उन्होंने नोटबंदी को इस देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया। यूपी के बहराइच के दौलतपुर गांव में भी वन विभाग ने कई दिनों से आतंक का पर्याय बनी मादा तेंदुए को पकड़ लिया है। दौलतपुर, महेशपुर, बलसिंहपुर, लगदिया, शाहपुर समेत कई गांव में लगातार तेंदुए की ओर से मवेशी और मानव को नुकसान हो रहा था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार वन अधिकारियों को अवगत कराया था। यूपी के अमेठी के मुसाफिरखाना विकासखंड के निजामुद्दीन चौराहे पर गणेश लक्ष्मी पूजा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। 5 दिन तक चलने वाले महोत्सव में क्षेत्र के लोगों ने माता लक्ष्मी, गणेश सहित अन्य देवी प्रतिमाओं के दर्शन किए। इसके साथ ही मां हिंगलाज धाम के पुजारी पंडित शेषराम मिश्र ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान पूर्वक हवन पूजन कराया और शोभा यात्रा निकालकर मूर्ति विसर्जन किया।